रूसी एग्रेशन से टेंशन में है यूक्रेन। अब्राहम टैंक की धीमी डिलीवरी पर भड़के ज़ेलेंस्की, अगस्त तक टैंक आए तब तक काफी देर हो चुकी होगी, रूस जल्द और इलाके कब्जे करने की फिराक में है, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब्राहम अगर दे रहे हैं तो जल्दी दीजिए वरना देने का कोई फायदा नहीं होगा। टैंक्स डिलेड और टैंक्स डिनाइड, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तब तक आए तो बहुत देर हो जाएगी। और इधर ये कहा गया है कि हम दे रहे हैं आपको अब्राहम्स, लेकिन अमेरिका खुद यह स्वीकारता है कि आते आते और आपके लिए वहां ऑपरेशनल होते होते वक्त तो लगेगा, ओवरनाइट ऐसा नहीं हो सकता। टैंक युद्ध अब आगे क्या, जरा देखिए। हम ये भी समझना चाह रहे हैं ये टैंक की बातें क्या स्मोक स्क्रीन है या टैंक वाकई इतना कारगर है, और टैंक को लेकर ये जो तमाम विमर्श चल रहा है इसके साथ और इसकी आड़ में क्या क्या चीजें चल रही है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से अपेक्षा 300 से 500 टैंक्स दिए जाएं। एक यूनिट टैंक की जो 45 की होती है उसमें 500 की मांग की जा रही है। असल में कहा जा रहा था कि 100 के आसपास हो सकता है कि वेस्ट की तरफ से मुहैया करा दिए जाएं, 500 मांगे जा रहे हैं, क्या मिल जाएंगे। वजह क्या है, डोनबास में रूस की बढ़त लगातार होती जा रही है, पहले सोलिडर अब वॉलिडर पे भी कब्जा, रूस ने जमीनी लड़ाई और तेज कर दी है, बखमुत और आगे बखमुत से और ज्यादा आगे बढ़ गई फौज और डोनबास से आगे पश्चिम की तरफ जाना लक्ष्य। अब ये अगर लगातार रशिया ये चाह रहा है कि इससे पहले कि टैंक्स डिलीवर हों और टैंक्स रशिया के खिलाफ वहां ऑपरेट होकर काम करना शुरू करें, उससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ऐसी बढ़त बना लें कि फिर यूक्रेन के लिए उसको वापस कैप्चर करना ये नामुमकिन हो जाए। रूस का खतरनाक प्लान क्या है, डोनबास में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा, आर्मी की नई यूनिट तैनात, घातक हथियारों की तैनाती बढ़ी, ड्रोन यूनिट्स भी बना दी गई हैं, अब यूएवी यूनिट्स भी आर्मी के भीतर बना दी गई हैं और वो बहुत जल्दी ट्रेन करके डिप्लॉय की जा रही हैं। टैंक युद्ध अब आगे क्या होगा, जब आप ये समझना चाहते हैं तो जरा ये भी देखिए कि टैंक्स आने से पहले रूस चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में जिनमें एनेक्स टेरिटरीज भी शामिल हैं और नई टेरिटरीज जो शायद वो फोकस कर रहा है उनमें ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पहुंचकर वो उसको कैप्चर कर ले, और इसी वजह से रूस ने डोनबास में लड़ाई को और भीषण कर दिया है और ये बाखमुत से आगे भी इसको अब ले जाना चाह रहा है। टैंक्स आने के बाद जंग और विध्वंसक होगी, रूस विध्वंसक हमलों से पहले डोनबास में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, रूस जहां कब्जा करना चाहता है वहीं अपने सैन्य बेस बनाकर आगे बढ़ता जा रहा है। अब जरा हम ये समझें कि ये टैंक्स की बात जो की जा रही है उससे आगे क्या दिखाई दे रहा है, रियलिस्टिकली 500 टैंकों की डिमांड। यश मो सर, ये 500 टैंकों की बात मांगे जा रहे हैं तो बड़ा मुंह खोल दो, कम से कम 100 तो मिलेंगे, क्या है वजह इसके पीछे। यूक्रेन ने डिमांड करी थी लास्ट ईयर, तो काफी लेट हो चुके थे जब तक, क्योंकि टैंक्स आने से बात बनेगी नहीं जब तक उन टैंक्स के आप ट्रेनिंग ना कर सको, उनकी मेंटेनेंस ना सीख सको, उसका ऑपरेशन ना सीखो। उसको काफी दिनों से यूक्रेन के सैनिक जो है यूरोप में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, ऐसी जगह पे, तो आई एम श्योर वो M1 अब्राहम और लेपर्ड टैंक्स के ऊपर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग जरूरी है। तो मुझे पता नहीं 500 तो ज्यादा लग रहा है, बट अगर 300 टैंक भी अगर मिल जाते हैं तो 300 टैंक मीन्स तकरीबन जो है 2 आर्मर्ड ब्रिगेड या खड़ी कर सकते हैं, और ये जो टैंक है ये बहुत ज्यादा काबिल टैंक है, और ये T-72 और T-90 टैंक जो रशिया के हैं ये पहले इतनी मार खा चुके हैं वहां पे हैंड हेल्ड शोल्डर फायर्ड मिसाइल से, तो इन 1-on-1 ये टैंक्स जो है रशियन टैंक काफी बुरी तरीके से जो है, अगर इन टैंकों के साथ लड़ाई होगी तो रशियन टैंक जो है इनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सो जो मुझे लग रहा है ये वेट करेंगे, अभी टैंक के लिए टाइम सही नहीं है, टैंक वॉरफेयर के लिए टाइम आएगा तकरीबन अप्रैल मई के अंदर जब धरती थोड़ी सख्त हो जाएगी और बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी होगी, तब जो है उनके पास टाइम मिलेगा टैंक वॉरफेयर के लिए और टैंक्स को सही तरीके से यूज करने, क्योंकि टैंक एक दूसरे के ऊपर अटैक करते नहीं है जनरली, बट टैंक टू टैंक व॑रफेयर जब भी होता है तो 3 से 4 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस भी रखा जाता है, और जो है इस प्रकार से लड़ाई करी जाती है कि आप जो है कहीं ना कहीं इन्फेंट्री का इस्तेमाल भी टैंक्स करते हैं होल्डिंग पोजीशन करने के लिए। इस मदद के साथ ज़ेलेंस्की जो बातें कहते जा रहे हैं वो ये कहते जा रहे हैं कि अगर आपने इसको देर कर दी, अगस्त तक में आप डिलीवर कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बहुत देर हो चुकी होगी, साथ में 500 टैंक्स की डिमांड भी, क्या आने वाले दिनों में वेस्ट को भी इक्वली विलीफाई करने वाले हैं ज़ेलेंस्की जितना उन्होंने रशिया को अभी तक कर दिया है। दीपक सर आभारी हूँ, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और आप तो खुद बहुत ज्ञानी हैं, ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू। जनरल साहब को मैं देख रहा हूँ, बाकी विशेषज्ञों को देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है।
इट्स सैड बट इन अ परवर्स काइंड ऑफ वे बहुत मजा मैं देख रहा हूँ। तीन चीजें सर बिल्कुल साफ है यूक्रेन में जो मुझे समझ आ रहा है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो है कि रूसी लोग, रूसी फौज जो है वो बहुत जबरदस्त मार कर रही है यूक्रेनियंस को, और यूक्रेनियंस की कैपेसिटी है उस मार को सहने की। दूसरा, यूरोप में भांगड़ा नाच रहे हैं कि रूस कमजोर हो रहा है। तीसरा सर, यूक्रेन तो नेटो के सिस्टम में चला ही गया, हथियार उसके पास वो है, ट्रेनिंग उसके पास वो है, टैक्टिक्स वो है, डॉक्ट्रिन वो है, बस एक ही चीज मिसिंग है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा हल्लो वल्लो अब तो तुम नेटो के मेंबर बन गए हो। इट इज अ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड जो हम अंग्रेजी में कहते हैं। अभी जब रूस ने बहुत जबरदस्त मारा था यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ज़ेलेंस्की साहब कहने लगे G7 देशों को भाई तुम एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो रशिया, क्या कहें, दिमाग खराब हो गया इस आदमी का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, जो लोग आज अमेरिका में इंचार्ज हैं वो अभी तक नाचते हैं कि सोवियत संघ टूट गया, जो मॉस्को में इंचार्ज है वो आज तक रोते हैं कि सोवियत संघ टूट गया। तो ये क्लैश ऑफ मेमोरीज चल रहा है, और मुझे ये लगता है सर इस समय चाहे 500 टैंक आए, चाहे 300 आए, चाहे 5 आए, यूक्रेन एक सर्कस है, उसमें 2 रिंग मास्टर और 1 जमूरा है। समस्या ये है कि जमूरा सोचता है कि मैं शेर हूं और सबके सब एलिस के मेहमान हैं उसके वंडरलैंड। आज की एक हेडलाइन और पढ़ देता हूं सर, नॉर्थ कोरिया इन सेम ट्रेंच एज रशिया, वेस्ट टैंक विल बर्न इन यूक्रेन, किम जोंग उन सिस्टर। ये जो बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए एक एक्सिस बनता जा रहा है, और ये जो नॉर्थ कोरिया के साथ बार बार ये नॉर्थ कोरिया को रशिया के साथ रख कर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका भी मतलब मैं समझना चाहता हूं प्रोफेसर अमिताभ। ये जो साथ में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये एक्चुअली ये असलियत है जिसको उजागर करने का काम किया जा रहा है, या वाकई एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश है? देखिए, दुनिया में जितने तानाशाह हैं वो सारे इस वॉर को देख रहे हैं, इसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, और इसके आउटकम के लिए बहुत एक्सपेक्टेड हैं कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आगे चलकर चाइना को, ताइवान को की लड़ाई हो सकती है, कोरिया, साउथ कोरिया की लड़ाई हो सकती है, उसमें अमेरिका का क्या रुख रहेगा। तो अमेरिका सिर्फ या रूस सिर्फ यूक्रेन से कंसर्न नहीं है, उनका एक लार्जर ग्लोबल गेम जो चल रहा है उस पर भी नज़र है। और क्यों अमेरिका स्ट्रेंथन कर रहा है, ये 300-500 टैंक की बात तो वाहियात है, अगस्त में आएगी या दिसंबर में आएगी, पेट्रियट भी शायद दिसंबर के पहले नहीं आए इस साल के अंत में। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो चलता, बेसिक अमेरिका क्या चाहता है इस समय कि एक स्ट्रैटेजिक विन हो, उस स्ट्रैटेजिक विन में जो भी हारे या जो भी जीते, यूक्रेन ये प्रूव कर देगा दुनिया को कि रूस एक नाकाबिज देश है दुनिया में युद्ध लड़ने के लिए, और एक एज अ स्ट्रैटेजिक पावर। तो और इसको धीरे धीरे सुलगाते रहो, ऐसा करो। और अभी ज़ेलेंस्की ने सिर्फ टैंक की नहीं मांगी है, उन्होंने F-16 भी माना है। सीधा प्रेसिडेंट ने कहा या उनके मिलिट्री स्पोक्समैन में कहा कि हम अभी स्पेयर नहीं कर सकते। तो ये तानाशाहों की लड़ाई है जो दुनिया कह रही है, तानाशाह वर्सेस डेमोक्रेसी, लेकिन इसका आउटकम सबको एक्सपेक्टेड है कि क्या होगा, अगली दुनिया कैसे बनेगी अगर ये विंक करते हैं, अगर रूस तो को क्या सर, ये जो आप कह रहे हैं कि आउटकम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सबने अपने अपने आउटकम बना रखे हैं, या लोगों को पता चल गया है कि इसका आउटकम क्या होगा, या ये कम से कम अभी से अंदाजे लग रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं मालूम कि आउटकम क्या होने वाला है,